के नाम से दुकान खुली है, तो मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ बाहर चल के। देखो ये रहा बोर्ड, लीजा के नाम का बोर्ड है, ये रहा इसके नाम का। Hey guys, welcome back to another vlog. तो अभी बज रहे हैं पूरे 11 और मैं जा रहा हूँ लीजा भी सो रही है और इनसे देख रही है जब से थाई मारी है ना, बहुत ज्यादा सागर भी आया हूँ दुकान में साफ सुथरी। अभी मैं जा रहा हूँ बाल्टी देने के लिए, चाबी मिल गई है मेरे को। जा रहा हूँ मैं गाइस सागर की स्कूटी लेके, अब देखते हैं कैसे निकालता हूँ। फर्स्ट टाइम वाली चला रहा हूँ गाइस। इसका तो बड़ा खतरनाक हैंडलिंग सिस्टम है भाई, मतलब एकदम ये लड़क पे लॉक से बचा हूँ। तो मैंने इधर से देखो फिर एक बिल्कुल हाथ में छुके पड़े हैं, बड़ी मुश्किल से चली मुझसे, तो ये नहीं सही चल गए, चला के ले आया मैं सही से। गाइस बाल्टी आ गई जो मुझे चाहिए थी। गाइस बाल्टी मैंने ले ली, अब निकलता हूँ यहाँ से सीधा बाल्टी लेकर उधर लेकर। गाइस चलते हैं, पापा को देने जा रहा हूँ। तो सागर की बाइक ये खड़ी टांगे बहुत दर्द कर रही है, थाई दोनों हाथ से पकड़नी पड़ेगी। काम चल रहा है तो मशीन सेट हो रही है पूरी तरीके से पार्ट्स, और देखो कुरान खाने के सब लोग, तो अभी सारा सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद दिखाता हूँ आपको। जा चुके हैं गाइस, तो अभी देखो अभी ये पूरा खाली हो गया एरिया, कुरान खाने हो गई है, जा चुके हैं भोगी में। यहाँ पे सारी शिफ्टिंग और ये जो टेबल वगैरह सब लगी हुई है, काउंटर है गाइस। मशीन चल रही है अभी फिक्सिंग, मशीन में फिक्सिंग हो रही है। अपनी वाई में फोन वगैरह हैं जो कि बांटने के लिए हैं, अभी सिर्फ फ्रिज में अपनी वाली बड़ी आइसक्रीम है, सब कुछ सेल के लिए हैं, ये सब सेल की है। इसमें क्या हैं, इसमें वो जो डेली में देते हैं ना सॉफ्टी वाली जो होती है सॉफ्टी, उसमें वो वाली रहेगी। तो ये इस तरीके काम है कुछ। कुरान खाने में तो लड़ भी यहाँ बचे में, ये इनकी नहीं लगी थी, तो अभी घर पर कुछ आने घर के सारे लोग आ चुके हैं, लीजा भी आ चुकी है जिसके नाम से दुकान खुली है, के नाम से दुकान खुली है। तो मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ बाहर चल के। देखो ये रहा बोर्ड, लीजा के नाम का बोर्ड है, ये रहा इसके नाम का। थोड़ी सी बस आइसक्रीम चलाने के लिए रखी और इतने ज्यादा बच्चे आ गए कि पूरी ये काउंटर ही घसीट लाए। गाइस ये रही पूरी, और मशीन वशीन अभी सब सेट होगा, फिर ओपी का सारा सामान जो है ना इसमें से निकलेगा। गाइस अभी सॉफ्टी निकाली नहीं है, बस इसमें जो क्या ना जो डाल लेता है ना इसमें पेस्ट, तो फिर एकदम पानी पानी से गिर गया था। डब्बे वाली जो वाली जो आइसक्रीम होती है ना गाइस, वो वाली डाली थी और उसे ही बांटा था। अभी इसके से सच सच क्या है, सारे घर में सब हो रहा है, उन्हें भी खिलाती आइसक्रीम। देखो वो खड़ी है रॉक, और ये रहा रोड, इस रोड पे दुकान है हमारी, और ये रही दुकान पूरी, और लीजा मेरी गोद में है, मशीन ये रही गाइस, यही सो रही है, और इसी के नाम से दुकान है। देखो कैसे सो रही है, सारा सामान मतलब अभी यहाँ रखी है मशीन। मैं बैठा था काउंटर पे और यहीं बैठा हुआ हूँ। मक्खियाँ देखो कितनी आ गई हैं गाइस, पता है मक्खियाँ क्यों आ रही हैं, ये जो पार्टी थी ना तो इतने सारे लोग थे, उन्होंने इस पे आइसक्रीम मिलवा दी और सब कुछ मक्खियाँ इस पे आएंगी। चक्कर में इसे हटाना पड़ा है, और एरोस यहाँ खड़ी है, बंदे आके देख रहे हैं बार बार कि किसकी गाड़ी है किसकी गाड़ी है। गाइस मैं जा रहा हूँ, पापा आप क्या है अभी मशीन पे कुछ काम करवा रहे थे, तो अभी निकलता हूँ और उन्हें आइसक्रीम सॉफ्टी बना के दिखाई है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, टाइम नहीं है मेरे को, कुछ काम है मेरे को, इमरजेंसी काम है, इसलिए जा रहा हूँ। तो गाइस अब बज रहा है रात के 9, और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है मेरी। मैं अब आप बोलोगे कि मैं कहाँ गया हुआ था, तो अभी मेरा कहना है स्कूल से, मतलब स्कूल से नहीं, मेरा भी फ़ोन आया था गाइस, कहते हैं एक मतलब इंडियन नेवी में एक मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म भरा था वैकेंसी का, तो वही अभी उसको उसके ट्रेनिंग के लिए मेरा फ़ोन आया था, और उन्होंने बोला है कि मेरा एक एग्ज़ाम होगा जो 31 मार्च को होगा, और उसमें मुझे जाना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, अगर मैंने वो क्लियर कर लिया तो फिर मेरा क्या ट्रेनिंग होगी, और वो फिर मेरी होगी कहते हैं नेवी की ट्रेनिंग होगी, उसके मेरा सीमैन की शिप पे जो सीमैन होता है उसकी ट्रेनिंग होगी। मेरा गाइस क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, और एक तब मेरा कॉलेज से भी आया पड़ा है, कॉलेज से मेरी एक बुक सी आई थी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, कॉलेज से आई थी, उसमें सब कुछ मतलब कॉलेज का एडमिशन वगैरह का है, सारा एडमिशन हो गया, बस फीस जमा करनी है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं नेवी में जाऊँ या फिर मैं गाइस कॉलेज में आऊँ, मेरे दोस्त चीज से फंस चुका हूँ। एडमिट कार्ड मेरा अभी फ़ोन में पड़ा हुआ है, उसे मैं निकलवा के फिजिकली उसमें मेरे को सब थोड़ा बहुत डाटा वगैरह भरना है, और फिर उसे मेरे को लेके जाना है, बट अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं पहले कॉलेज करूँ या फिर मर्चेंट नेवी करूँ, चीज़ के चक्कर में दिमाग खराब हो रहा है कि क्या करूँ, यही सोच रहा हूँ गाइस, इतना और कुछ नहीं है बस। गाइस अभी अभी भूकंप आया था बड़ा खतरनाक वाला, और अभी हमारा बिल्कुल मेरा हार्ट इतनी तेज हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, और अभी सारे भर गए उठ के, ये वे सब मेरे को, मैं उसमें लोगों ने पाया, और एकदम मैं और सामने बैठ के बात कर रहे थे, एकदम भट भट बैड हिला, तो मैं हाँ एकदम बैड हिला, फिर मैंने जैसे लास्ट वाला देखा ना तो एकदम बैड उछला, तुरंत मेरे को पता लग गया कि बैड कैसे उछल रहा है, क्योंकि हमारे जो बिल्डिंग बहुत मजबूत है, बट बैड फिर भी नहीं सकता। और देखो न्यूज में भी दिखा रहे हैं, देखो झटके बहुत खतरनाक थे, मतलब सबसे ज्यादा डरावनी चीज में ये लगती है, इंसान लेली को लेकर नीचे भुग गई गाइस, लाता हूँ ऊपर, और ये वाला फैन जो था ना बहुत तेज तेज हिल रहा था, कट 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 बोल रहे, पट पट यूं हिल रहे, और सारे गली के लोग भग गए थे गाइस।
धोखा, गली के सारे लोग सारे तो बाहर आ गए थे भैया। मेरा तो मेरा हार्ट बीट ऐसी हो गई, मैं सोच रहा हूँ गाइस जब से मैंने तुर्की का देखा है ना यार, मेरे को बहुत डर लगने लगा है। मैं ये चाहता हूँ कि तुर्की ऐसा लपक किसी भी जाना है, किसी से भी ना है, मतलब मैं हर जगह जाता हूँ। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि तुर्की में जो हुआ है ना गाइस, जो तुर्की में हुआ वहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, तो उन सबके संग सही हो जाए। और बहुत मतलब ऐसा डर लग रहा है ना गाइस, दिल्ली में एक बार बोला था मैंने, न्यूज़ में देखा था, उस दिन से मेरे को दिल में एक वहम रह गया था कि हाँ दिल्ली में भी ना आ जाए भूकंप। और अभी आज आ गया और मेरे बिल्कुल हार्ट बीट बिल्कुल तेज हो गई है। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह पाक फिर से कुछ ना आए, ऐसा कुछ ना हो ना, हर कहीं पे भी ना हो, बिल्कुल ऐसा कोई भी नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ लगती है मुझे सबसे ज़्यादा। और अभी सारे के सारे भग गए थे, मैंने अम्मी अम्मी को सबको भगाया नीचे, और मैंने सोचा मैं घर में रुकूंगा, थोड़ा देखता हूँ, चेक करता हूँ कि गया नहीं गया, मगर थोड़ी टाइमिंग कम थी, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है, कम टाइमिंग थी। और अब देखते हैं गाइस दोबारा फिर ना आए, बस ये अभी डर गई गाइस। हैं मैंने लीजा को लिया, इंसानियों को दिया, जा इसे लेके जा। मेरे मतलब पैरों में से मेरे ऐसे लग रहा हार्ट बीट ऐसी हुई है ना, सोचो गाइस यहाँ में इतने में गए तो तुर्की में कैसा हाल हुआ वो लोगों का, उससे हो जाए। पर ऐसा कहीं पे भी ना है गाइस, ये बहुत बहुत डरावनी चीज लगती है मुझे सबसे ज्यादा लाइफ में, सबसे ज्यादा देखने की बात है। देखो कहाँ जाके रुकी है, इंसा कहाँ है वो देखो, गली के कोने पे खड़ी होगी। देखो देखो भैया देखो कहाँ जाके भगी है वो, लिली को लेके सबसे पहले। तो गाइस अभी हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो रात में मैंने ब्लॉग क्यों नहीं करा था, क्या मेरा कुछ काम था, और मेरा वही काम की वजह से नहीं कर रहा था। अभी भी फोन आ रहा है मेरा, कॉलेज से फोन आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ कैसे कैसे आ रहा हूँ, आपको फोटो वो दिखाता हूँ जो मेरे को कॉलेज से सेंड हुई थी, वो वाली बुक दिखाता हूँ। एक मैं मेरे वो फाइल तो निकालता हूँ उसे, तो ये गाइस फाइल अभी से निकालता हूँ दिखाता हूँ गाइस। तो ये प्रोस्पेक्टस हैं जो कि आए मेरे को कॉलेज की तरफ से आए हुए हैं, तो ये रहा उसका कुछ मतलब मेरी कुछ मेन डिटेल्स ही हैं, और इसमें कॉलेज के बारे में लिखा हुआ है कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज है गाइस ये। तो अभी क्या है ना इसमें सब कुछ लिखा पड़ा है, क्या क्या प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ इसमें उन्होंने इसमें सब कुछ दे रखा है। तो लॉ का कॉलेज जो लॉ वगैरह सब होता है, ग्रेजुएशन सब इसमें होंगी, क्या है ना सारा कुछ इसमें हैगा मेरा, सब हैगा। सारे सेलिब्रिटी भी आते रहते हैं बढ़िया, मतलब कॉलेज प्लेसमेंट वाइज रैंकिंग वाइज बढ़िया बताया जा रहा है, मैं तो सही बता रहा हूं, बट क्या ना अभी चेकआउट करना पड़ेगा पूरा सही से रहूं। अभी क्या है ना देखो गाइस ये वहां का कुछ मतलब गाइस देखो इसमें मतलब इस तरीके से दे रखा है कि आप इसमें देख सकते हो मैनेजमेंटिंग और क्या बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस, किस तक कितना कोर्स होगा, क्या फीस अमाउंट होगी, तो सब कुछ वही दे रखा है इसमें हैगा। तो अभी इसमें वही देख रहा था गाइस मैं जो मेरे को कोर्स करना है, और अभी मेरे को क्या है ना डाउट आ रहा है कि मैं कोर्स तो कर लूँगा गाइस, बट अभी क्या है ना मेरे पे एक मर्चेंट नेवी का एडमिट कार्ड आया हुआ है, अब उसे अटेंड करूँ नहीं करूँ क्या समझ में नहीं आ रहा गाइस, मैं क्या देखता हूँ अभी, मैं वही चीज़ में सोच रहा हूँ। तो अभी बस ये दिखा पाया हूँ एडमिट कार्ड है वो इसी फोन में है जिसमें मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, और अभी क्या है ना इसमें दिखा नहीं पाऊंगा आपको, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगा। तो अभी के लिए ब्लॉग का एंड करता हूँ, क्योंकि ब्लॉग पे मेरे को नेक्स्ट भी स्टार्ट करना है। तो अभी के लिए तेरा ब्लॉग चलो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। बाय बाय गाइस।